ये था कि कर्म का रहस्य क्या है। बहुत द्वंद्व है जीवन में कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाग्य कैसे बदले, एक दिन ये विषय आपको सुनाया गया, लेकिन उसका दूसरा पहलू हम आज आपको संकेत करेंगे कि लोगों के जीवन में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि अगर कर्मों का फल ही मिलता है, शुभ कर्मों का फल शुभ मिलता है, अशुभ कर्मों का फल अशुभ मिलता है, फिर अच्छे लोग दुखी क्यों हैं? संत जन सज्जन पुरुष दुखी क्यों हैं? और क्राइम करने वाले, हत्याएं करने वाले वैभवशाली क्यों हो जाते हैं? वास्तव में कर्मों का फल ही मिलता है। इस संसार में रामचरितमानस में निषाद राज ने लखन जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर यही दिया था कि केहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भ्राता, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सफलता नहीं दे सकता, कोई किसी को असफलता नहीं दे सकता। भले ही थोड़ी देर के लिए, किसी सुख के लिए, किसी सफलता के लिए, किसी प्राप्ति के लिए हम किसी को श्रेय दे दें, भले ही थोड़ी देर के लिए किसी कष्ट दुख और पीड़ा के लिए किसी को दोषी ठहरा दें, परंतु सच्चाई तो ये है कि संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता। लोग दुखी रहते हैं। हमने बहुत बारीकी से लोगों को देखा, नौकरी नहीं मिलती, मिल जाती तो टिक नहीं पाते हैं, वैभव बढ़ नहीं पाता है। जब करीब से हमने उनके क्रियाकलाप को देखा तो लगा इनके कर्म ही इनसे करवा रहा है। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, लेकिन प्रश्न वही खड़ा होता है कि फिर ये लोग जो गलत करते हैं, इनका फल क्यों नहीं मिल रहा है? ये कैसे वैभवशाली हैं, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, साधारण सज्जन लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं, और सज्जन शांत सरल लोग दीनहीन दशा में जीते हैं। ये कौन सा कर्म का फार्मूला है? सच्चाई ये है कि अगर इसे विचार करें कि हिंदू धर्म में कर्म का जो सिस्टम है, एक जन्म का नहीं, कर्म का फल मिलता ही है, कोई उससे बच नहीं सकता। लेकिन ये फल का जो सिस्टम है कि जब पके तो गिरे, जब पकेगा तो गिरेगा। संभव है कि एक कर्म का फल एक दिन में भी मिल जाए, और संभव है कि एक कर्म का फल 10 दिन में भी मिल जाए, और ये संभव है कि एक दिन का फल 1 साल में भी मिल जाए, संभव है कि एक कर्म का फल 10 साल में भी मिल जाए, और ये भी संभव है कि एक कर्म का फल अगले जन्म तक मिल जाए। पुण्य और पाप, ये दोनों प्रकार के कर्म जाने अनजाने में हमसे होते रहते हैं, और दोनों को पकने का अलग अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग समय होता है। जो लोग आज धर्मात्मा दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आज सज्जन दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आज सरल दिखाई दे रहे हैं, अपने पीछे के उन पाप कर्मों को भोग रहे हैं, आज नई खेती कर रहे हैं, इसका भी फल मिलेगा। जब आप सड़क पे चलते हैं तो मान लीजिए स्टेशन आपने फिक्स कर दिया कि बुरे कर्मों का स्टेशन और भले कर्मों का स्टेशन, तो सारे स्टेशन पार होंगे ना। कोई भी सतत लगातार हमेशा दुखी नहीं होता। आप देखेंगे कि कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कुछ दिन ठीक चलता है, कुछ दिन गड़बड़ हो जाता है,
कभी कभी अधिक गड़बड़ हो जाता है और कभी कभी अधिक अच्छा हो जाता है। वो स्टेशन आते जाते हैं, लेकिन हम अच्छे दिनों को कभी नहीं याद करते। जब बुरा आए तो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। जब बुरा आता है तो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। ये दोनों आते हैं। ये जरूर है कि कोई तपस्या करके भस्म कर दे उन कर्मों को, कोई तपस्या करके जला दे उन कर्मों को, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखें कि अगर पक गया कर्म तो तपस्या से भी भस्म नहीं हो सकता। अभी कच्चा है तो तोड़ दीजिए उसको और दूसरी जगह फेंक दीजिए, तप की अग्नि में जला दीजिए, और अगर एक बार पक गया तोड़ने भी जाएंगे तो गिर जाएगा, वो भोगना ही पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि तप करके उस कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता अगर पक गया है तो, और नहीं पका तो पूरा भी नष्ट किया जा सकता है। कर्म का फल मिलता ही है, लेकिन तपस्या के द्वारा कुछ बदला भी जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, कर्म का फल नहीं मिलता, जन्म जन्म का नहीं मिलता, इस बात पर जरूर विचार करना कि कोई अमीर के घर पैदा हो जाता है, कोई अंबानी के घर पैदा हो जाता है, कोई मंत्री के घर पैदा हो जाता है, और कोई नौकरानी के घर पैदा हो जाता है, कोई स्वस्थ और सुंदर पैदा होता है, और कोई पैदा होते ही पोलियो मार देता है, कोई पैदा होते ही मां मर जाती है, दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं बचता। अभी तुरंत उसने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया कि मां मर गई और दूध पीना भी उसके नसीब में नहीं है? अभी अचानक क्या कर दिया? अभी तो कुछ नहीं किया। किसी गरीब घर में पैदा हो गया वो अभी के कर्म का नहीं है। और अभी ऐसा क्या कर दिया कि किसी राजा के घर में पैदा हो दिया? पैदा होते ही धन का अंबार है, पैदा होते ही उसके नाम से बैंक बैलेंस है, उसे कुछ नहीं करना है। निश्चित ही ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और सूक्ष्म शरीर में ब्लैक बॉक्स कैरी होता है कर्मों का, स्मृतियों का, यादाश्त का, ये हिसाब रहता है। और यही कारण है कई धर्म संप्रदाय ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। न माने क्या फर्क पड़ता है, उनकी मान्यता है, लेकिन आज विज्ञान जिंदा हो गए
और उस बीच क्या हुआ, उस बीच का उनका अनुभव क्या रहा। तो जो माता जी से मिलवाया चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि मेरी मां मर गई थी और लगभग 3 दिन के बाद फिर जिंदा हो गई। बूढ़ी थी, मैं मिला उनसे, हमने पूछा कि क्या हुआ था। बोले जब मैं मरी तो होश नहीं था यहां का, मेरे पूर्वज सब दिखाई देने लगे और 2 व्यक्ति राजसी पोशाक में आए और रथ पर बिठा के मुझे ले गए, एक बहुत बड़े सुंदर राजा के सामने पेश किया और राजा ने एक व्यक्ति को आदेश दिया कि गलत लेके आ गए, इसका समय अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब ये आ गई है तो इसे इसका कमरा दिखा दीजिए। ये सच्ची घटना मैं अपने मिलकर जो हमने बात की वो अनुभव बता रहा हूं। इसका कमरा दिखा दीजिए, दिखाया कमरा। जब देखा कमरा तो 1 सुई भी कभी किसी को दान किया था, आधी रोटी भी किसी भूखे को कभी दे दिया था, वो सब वहां रखा था और कहा यह गया कि लौटने के बाद यही तुम्हारी संपत्ति है, यही पूंजी है, इसी का उपयोग करना है। लोग समझते हैं दिया हुआ दान यही रह जा रहा है। ये प्रत्यक्ष में अपना अनुभव बता रहा हूं, जो हमने उनसे बात की, सब रखा था, लौटने के बाद जब होश में आई वो तो उन्होंने खूब दान करना शुरू किया, उधर का बैंक बैलेंस बढ़ाओ। पूर्व जन्म के पुण्य कैसे काम करते हैं और पुण्य पूर्व जन्म का पाप कैसे काम करता है, आपने संसार में देखा, ये आपका प्रत्यक्ष आपका अनुभव होगा, मैं केवल संकेत करता हूं, आप अपना अनुभव समझ लेना। देखा किसी व्यक्ति को फुटपाथ पे चल रहा है, फटे हाल में जी रहा है, छोटी सी दुकान चला रहा है, चाय की या पकौड़े की या सब्जी की, किसी ने कहा ये बहुत बड़े आदमी थे, कभी ये बहुत अमीर हुआ करते थे, आज इनकी हालत ठीक नहीं, आखिर क्या हो गया, क्या बिजनेस का दिमाग कम हो गया, क्या व्यापार में इन्होंने बुद्धि लगाना कम कर दिया, पुरुषार्थ कम हो गई, कुछ भी कम नहीं हुआ। आदमी वही है, बुद्धि वही है, परिस्थितियां वही है, साधन वही है, फिर भी ये गरीब कैसे हो गया, इसका बिजनेस कैसे चौपट हो गया और ये फुटपाथ पर कैसे आ गया। पीछे के कर्म, अमीर से अमीर आदमी अगर गलत काम करते हैं तो उसका लौट 10 से 20 साल, 20 साल के बाद उनकी जिंदगी देखिए। और गरीब से गरीब आदमी, हमने ये भी देखा कि ये जो अमीर आदमी है पहले ठेला चलाता था, ये जूस बेचता था, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो गया, अरे भाई यही क्यों हो गया, बाकी लोग क्यों नहीं हो गए, बाकी लोग भी जूस बेचते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि चाय बेचते थे, क्या सभी चाय वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, वही क्यों, पिछले जन्म का वो पका हुआ फल आ गया, अन्यथा मेहनत बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, बाकी लोग अमीर क्यों नहीं बन जा रहे, बाकी लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जा रहे। तो गरीब से अमीर बनना, अमीर से गरीब बनना, ये एक उदाहरण है, 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। 99 में मैं साउथ अफ्रीका में था, जोहानिसबर्ग के एयरपोर्ट पे एक सज्जन हमें लेने आए, बुजुर्ग थे, 80 साल के, ड्राइव खुद कर रहे थे, उनका नाम था भोला भाई चीता, जानने वाले जानते होंगे, टेलीविजन पे देख रहे हैं क्योंकि मैं पूरे प्रमाण सहित बोल रहा हूं। रास्ते में उन्होंने कहना शुरू किया, स्वामी जी मैं कुछ अपने बारे में बताऊं, हमें ऐसा लगा बुजुर्ग हैं अभी दिमाग चाटेंगे, क्या सुनाएंगे पता नहीं, हम तो थके हारे आए हैं, क्या अपने बारे में सुनाएंगे, लेकिन जो सुनाए दिल खुश हो गया। उन्होंने सुनाया मैं बाल्य अवस्था में छोटा था तो कमाने का मन हुआ, मैं पानी के जहाज पे चढ़ गया, गुजरात से पानी के जहाज पे चढ़ गया और वो जहाज आते आते अफ्रीका में एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग मर गए, पता नहीं कौन उसमें से बचा, समुद्र किनारे में पड़ा था, काले लोग मुझे उठा के ले गए, अपने घर में रखा, सब्जी बेचने का काम दे दिया, मैं उनके घर रहता रहा, घूमते फिरते कुछ गुजराती बंधु मिल गए और मैंने गुजराती में बात की, उन्होंने अपने यहाँ रख लिया
और एक प्रिंटिंग प्रेस में बाइंडिंग के काम में लगा लिया और मैं धीरे धीरे उसमें से पढ़ता रहता था और पढ़ाई भी कर ली और क्लर्क बन गया उसी कंपनी में। धीरे धीरे समय गुजरा और क्लर्क से मैं मैनेजर बन गया। मैनेजर बनते बनते समय गुजरा और मैं उसका हाफ 50% का पार्टनर बन गया। कुछ दिन के बाद मैं मालिक बन गया। और ये कहानी बताए उसने अपनी जिंदगी की कि आज पूरे अफ्रीका के 54 देश में 54 कंट्रीज में गोल्डन एरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है। ये 99 की बात है, शायद वो अब जिंदा ना हो। प्रिंटिंग की कंपनी है गोल्डन एरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनका प्रेस सन सिटी साउथ अफ्रीका में है। और जब उनके घर गए, क्या घर था प्रारब्ध, आप देखिए कि अचानक किसी को कैसे मिल सकता है। बहुत लोग डूब जाते हैं नदी में, बहुत लोग भीख मांगते हैं, अमीर क्यों नहीं हो जाते हैं। लेकिन उसका पिछला आ गया समय। घर जब देखा हमने तो घर क्या था, 24 बंगले बने थे एक पहाड़ी पे, गायत्री मंत्र के हर अक्षर पे एक एक, और जहां ओंकार था वहां उसका निवास था। तो ये 24 कौन कौन है, तो बोले कि हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनके बच्चों को इंग्लैंड अमेरिका पढ़ाकर मैंने डायरेक्टर बना दिया। सोच लीजिए, वो आदमी अफ्रीका जाकर बचपन से वो भूखे हाल में रहा, लेकिन फिर जब बन गया आदमी तो रिश्तेदारों को संपन्न किया, रिश्तेदारों को बुलाया, उनके बच्चों को पढ़वाया, हमारे पास पैसा है तो मैं इनको पढ़ा सकता हूं। पूर्व जन्म का फल कैसे मिलता है। एक और घटना, इंग्लैंड अमेरिका के अटलांटा शहर में, ये 96 की घटना है, ओलंपिक चल रहा था उस समय, हम भी वहीं थे। एक सज्जन अपने घर ले गए, नाम उनका याद नहीं लेकिन टाइटल उनका त्रिपाठी था और वो मूल निवासी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के थे। अपने घर भोजन पे ले गए, उनकी पत्नी अमेरिकन थी, गोरी टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी और साड़ी पहने हुए, भोजन इंडियन खिलाया। हमने कहा किसने बनाया, उसने कहा मैंने बनाया है। किसने सिखाया, तो कहती है कि मेरी सॉस ने सिखाया। हमने कहा सॉस, तो लोग बोले सास बोल रही है, ये सास बोल रही है अमेरिकन। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की घटना सुनाई तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बोले मैं गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से मैट्रिक किया मैंने, और दिल्ली में हम लोग थे, पासपोर्ट बन गया था और मेरा मन विदेश जाने का था। घर वाले को बिना बताए मैं फ्रांस चला गया और फ्रांस में जाकर 3 साल तक एक बड़े आदमी के यहाँ घास काटता रहा और उस बीच में फ्रेंच सीख गया। मन नहीं लगा वहाँ तो शिप पे बैठा बिना भी जाके अमेरिका पहुँच गया और अमेरिका में सेम कंडीशन, काले लोगों ने उसको अपने घर ले गया। और फिर वो एक दिन घूमने निकला न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी देखने के लिए, वहाँ फ्रांस के कुछ लड़के मिल गए और उनसे फ्रेंच में बात की तो उनको लगाव हो गया कि अपने वाला है। उन्होंने पूछा तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, बोले हमारे पास पैसे नहीं है और एडमिशन कौन कराएगा। उन लड़कों ने कहा कि हम एडमिशन कराएंगे और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में उसका नामांकन हो गया। कहाँ हरिद्वार से चला विद्यार्थी, कहाँ दिल्ली, कहाँ फ्रांस होते हुए पीछे का प्रारब्ध उसे खींच कर कहाँ ले गया और अमेरिका के उस विश्वविद्यालय में वो स्टूडेंट बन गया, पढ़ने लगा। अभी 1 साल की ही पढ़ाई की थी, तब तक कहीं युद्ध हो रहा था और 12th क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मिलिट्री में भर्ती की जा रही थी। इसकी भी भर्ती एयरफोर्स में अमेरिका ने कर लिया और ट्रेनिंग मिली 1 साल की, पायलट की ट्रेनिंग, गोली चलाने की ट्रेनिंग और एयरफोर्स अमेरिका में काम करने लगा। करते करते पढ़ाई भी होती रही और छूट थी उनको पढ़ने की। उसी बीच में एक अमेरिकन लड़की से प्रेम हो गया जो उनकी पत्नी थी और वो इतने अमीर घर की लड़की थी, इकलौती, हजारों एकड़ जमीन, अपना हवाई जहाज, अपना सब कुछ था और शादी कर ली, वो सारा जमीन जायदाद इसका हो गया। और उस एयरफोर्स में काम करते करते युद्ध में कहीं गोली लगी पैर में, थोड़ी सी, थोड़ा सा, कुछ ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। और हाँ, इतना जरूर
कि वो काम करते करते एयरफोर्स के नंबर वन पे पहुंच गया अमेरिका का। अमेरिकन गवर्नमेंट ने सेकंड नंबर पे कर दिया, इन्होंने मुकदमा कर दिया कि हम इस देश के लिए जान दे सकते हैं तो इस पोस्ट पे क्यों नहीं रह सकते। और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको फिर से नंबर वन किया जाए, और वो अमेरिका के एयरफोर्स का नंबर वन रहा। और गोली लगी तो वहाँ नियम है कि गोली लग गई, थोड़ी सी भी खरोच भी है तो रिटायर, लाखों डॉलर रिटायरमेंट में मिला, जिंदगी सेटल हो गई, कमा के कर सकता था, मेहनत करके ये किया जा सकता था। पुरुषार्थ और मेहनत की अलग महिमा है, यहाँ हम विषय दूसरा है, इसलिए हम केवल पूर्व जन्म के अभी कर्मों का फल कैसे इस जन्म तक आता है। आप कभी लिटिल चैंप देखते हैं? बच्चे लोग डांस करते हैं, बड़े से बड़े डांसर के औकात नहीं कि वैसा डांस कर सके। ये पूर्व जन्म के नर्तक हैं, डांसर हैं, इनका किया हुआ है। आप कभी सारे गमा देखते हैं? छोटे बच्चे गाते हैं, बड़े से बड़े गवैया गा नहीं पाएंगे, ये पूर्व जन्म के गायक लोग हैं। आपने कभी साधु को देखा कि बचपन से त्याग और वैराग, जो चीज़ें सीख कर लोग सीख नहीं सकते, त्याग रटा कर त्याग कर नहीं सकते, और वो वैभव को लात मार देता, उसके लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं, वो बना बनाया साधु है, पिछले जन्म का ऋषि है, वो सीधे सीधे आया है। कहते हैं इतना जल्दी ये सीख गया गाना गाना, इतना जल्दी डांस करना सीख गया, इतनी जल्दी तपस्या कर ली इन्होंने, इतनी जल्दी सिद्धियां आ गई। जिसे ऐसे समझना कि एक दर्जी ने कपड़ा सीने के लिए एक महीने पहले लिया था, सिल के रखा था, आप लाने उस दिन गए, तुरंत बटन लगाया, आयरन किया, पैकिंग करके दे दी, आपने कहा बड़ा आधे घंटे में सिल के दे दिया इसने, आधे घंटे में नहीं सिल के दे दिया, वो सिला सिलाए रखा हुआ था, अभी पैकिंग करके दिया। ठीक वैसे ही पिछले जन्म से वो आया है पक्के, अभी तो केवल खोला है पैकेट। तो बचपन का साधु ज्ञानी ऐसे ही होते हैं, पूर्व जन्म का साधु है, बचपन से गाने वाले ऐसे होते हैं, पूर्व जन्म के गाने वाले हैं, बचपन के नाच डांस करने वाले बच्चे ऐसे होते हैं, पूर्व जन्म से डांस ही कर रहा हो। और बचपन से ज्ञानी वो होते हैं, पूर्व जन्म में ज्ञान ही ज्ञान था, आते ही लेवल खोला, ज्ञान निकलने लगा। तो ये कर्म काम कैसे करते हैं, पहले तो ये समझ लें कि गरुड़ पुराण के हिसाब से चित्रगुप्त का वर्णन आता है। श्रीवास्तव जी बैठे हैं, चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते होंगे, हाँ या नहीं? करते हैं ना। अब लोगों ने भगवान को भी अलग अलग कर दिया कि ये इस जाति के भगवान है, ये इस जाति के भगवान। अरे भगवान सबका होता है, चित्रगुप्त भी सबके भगवान है, कोई उन्हीं के अकेले थोड़े हैं। लेकिन मान लिया चित्रगुप्त इनके भगवान और वो वाले उनके भगवान। चित्रगुप्त कौन है ये समझ ले तो कर्म के इस रहस्य को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। चित्रगुप्त शब्द को पहले समझिए। चित्रगुप्त हिसाब लिखते हैं धर्मराज के दरबार में, तो कर्मों का हिसाब लिखते हैं यही माना जाता है। कर्मों का हिसाब कैसे लिखेंगे? कर्मों का हिसाब लिखा जाता है ये माना जाता है, न केवल कर्मों का बल्कि विचारों और भावनाओं का भी हिसाब वो लिखते हैं। 600 करोड़ मनुष्यों का हिसाब एक साथ मन में भाव क्या आया, चित्रगुप्त अगर आदमी है तो कैसे लिख पाएंगे? एक साथ 600 करोड़ लोग उसी पल में उसी क्षण में क्या भाव रख रहे हैं मन में, बड़ा मुश्किल है लिखना। और अगर केवल 600 करोड़ ही होते तो बात समझ में आती। 83,99,999 अन्य योनियां हैं, जिसमें एक योनि में करोड़ों करोड़ जीव जंतु हैं, अरबों जीव जंतु हैं, सबका हिसाब चित्रगुप्त कैसे रख पाएंगे एक पल में? अगर आदमी है तो चित्रगुप्त आदमी नहीं है। तो कौन है चित्रगुप्त? चित्रगुप्त परमात्मा है, ईश्वर को ही चित्रगुप्त कहा जाता है, जो अंतरात्मा के रूप में हर जीव के अंदर बैठा है वही चित्रगुप्त है। अब उस नाम के शब्द का अर्थ समझिए, चित्रगुप्त जो गुप्त रूप से आपका चित्र खींचता रहे, जो भावनाएं उठी मन में उसे गुप्त रूप से खींच लिया, आपको पता भी नहीं चला, वही है चित्रगुप्त। और दूसरे अर्थों में ऐसे समझ लेना कि ये पहले था चित्तगुप्त,
हमारा जो चित्त है जिसे माइंड स्टफ कहते हैं, अंतःकरण, वो चित्त जल्दीबाजी में लिखेंगे तो त्रा हो जाएगा, तो चित्त ही चित्र बन गया। यह है चित्तगुप्त। और दुनिया में, दुनिया की किसी अदालत में सजा मिले या न मिले, चित्रगुप्त की अदालत से कोई नहीं बच सकता। आप कहेंगे हम बच के निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, इसलिए नहीं निकल पाएंगे क्योंकि जब संसार के अदालत में हम जाते हैं तो कई महकमे काम करते हैं। एक आदमी चोरी करने वाला चाहिए, दूसरा आदमी देखने वाला चाहिए, जिसे हम विटनेस कहते हैं, साक्षी कहते हैं, गवाही कहते हैं। तीसरा आदमी एक पुलिस वाला चाहिए जो पकड़े। चौथा आदमी एक वकील चाहिए जो बहस करे। और पांचवा आदमी एक जज चाहिए जो निर्णय दे। संभव है कि धरती की अदालत पर इनमें से कोई भी अगर बिक गया तो मुकदमा बदल जाएगा। ये भी संभव है कि पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया हो, उसने कोई गलत काम ही ना किया हो। जैसे हम अनेक जेलों में प्रवचन के लिए गए, एक बार धनबाद के जेल में गए झारखंड, वहाँ एक युवक मिला, रोने लगा। उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, और मैंने, एक पुलिस वाले ने मुझे रोका कि ये एड्रेस बता दो। उसने गाड़ी में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद बोला 5,000 दो तो, नहीं तो जेल में डाल देंगे। मूल में गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, 5,000 कहाँ से लाऊँगा? जेल में डाल दिए। बोले 1.5 साल से मैं यही हूँ और मुझे कोई छुड़ाने वाला भी नहीं। फिर हमने बात किया वहाँ, कुछ उसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश की। तो संभव है कि पुलिस ही बिक गई हो इस धरती के समाज में, ये संभव है। और वहाँ अगर ठीक हो तो संभव है कि गवाह खरीद लिए गए हों, झूठे गवाह खड़े कर दिए गए हों, ये भी संभव है। और अगर गवाह भी ठीक है तो संभव है कि वकील ही इतना तेज हो कि केस बदल दे। और वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो संभव है कि जज साहब ही खरीद लिए गए हो। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने घटी है कि खरीदे गए जज और मुकदमा बदल दिया गया। तो धरती की अदालत में तो ये कुछ भी संभव है, लेकिन चित्रगुप्त की अदालत में कुछ भी संभव नहीं। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा ही, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये समझ लें। क्योंकि वहां पे चोरी करने वाला चित्रगुप्त स्वयं है, आप खुद ही तो हैं। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। किससे छुपाएंगे? चोरी करने वाला स्वयं आप खुद हैं और देखने वाला साक्षी भी आप ही हैं। चित्रगुप्त ही देख रहा है और पकड़ने वाली पुलिस भी आप स्वयं ही हैं। इधर सामने आके बैठ जाओ, उधर खड़े हो इधर बैठ जाओ। देखने वाले विटनेस भी आप स्वयं ही हैं और पकड़ने वाली पुलिस भी आप स्वयं हैं। बहस करने वाले वकील भी आप स्वयं हैं और निर्णय करने वाले जज भी आप स्वयं हैं। अगर एक भी दूसरा होता तो बचने की गुंजाइश होती, लेकिन यहां किससे बचेंगे? अपने आप से बच नहीं सकते। आपका अंतःकरण ही तो चित्रगुप्त है। और यहां हिसाब केवल कर्मों का नहीं होता, यहां तो भावों का हिसाब होता है। कौन सा कर्म किया ये महत्वपूर्ण है। हत्या कर दी, गलत कर दिया, ये ठीक नहीं है, लेकिन हिसाब भाव का होता है, केवल कर्म का नहीं। आप कहेंगे ये क्या मतलब है, किसी की मर्डर कर दी और भाव अच्छे रखे? कैसे रख पाएंगे अच्छे भाव? अच्छे भाव रख के गलत काम आप कर नहीं पाएंगे। हिसाब आपके मन का होता है, कर्म का नहीं। अगर कर्मों का हिसाब होता तो कोई मां अपने बच्चे को पुलिस में भर्ती नहीं कराती, कोई मां अपने बच्चे को मिलिट्री में नहीं भेजती, क्योंकि वहां गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां मर्डर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साधारण भाषा में देखें, भले ही दुश्मन को मारे, लेकिन वो गोली चलाना ही तो है, वो हत्या ही तो है। अगर कर्मों का हिसाब होता तो सारे मिलिट्री वाले पाप कर रहे होते हैं और उनको पाप की सजा भगवान फिर देगा। कोई माँ अपने बच्चे को सिपाही में, मिलिट्री में, फौज में नहीं भेजेगी, लेकिन वहाँ हिसाब
केवल प्रत्यक्ष कर्मों का नहीं, किस भाव से कौन सा कर्म किया गया उसका होता है। अगर बॉर्डर पे कोई सिपाही खड़ा है और गोली चलाता है तो उसका भाव ये नहीं कि हम ईर्ष्या द्वेष भर किसी को मार रहे हैं या इसको लूटने के लिए मार रहे हैं, देश की रक्षा का, करोड़ों लोगों की रक्षा का सवाल है, इसलिए मुझे गोली चलानी पड़ रही है। भाव वहां रिकॉर्ड हुआ कि ये आदमी देश की रक्षा के लिए धर्म का काम कर रहा है। गोली चली, कोई मरा, ये वहां रिकॉर्ड नहीं हुआ। जैसे दान करते हैं, कई लोग दान करते हैं, करोड़ों दान करते हैं, लेकिन मन में ये रहता है कि नाम हो जाता, पट्टी लग जाती, एक पंखा 500 रुपये का देते हैं, जाके देखिए धर्मशालाओं में पूरे पंखे के, तीनों पंखे पर लिखा रहेगा। एक छोटा सा बैठने का कहीं किसी के लिए प्लेटफॉर्म बनवा दिया, इतना बड़ा बोर्ड लगाए बैठे हैं और कहते हैं दान किया हमने, तो वहाँ चित्रगुप्त क्या लिखते हैं रिकॉर्ड में, करोड़ों रुपया दान किया, भावना यह है कि हमारा नाम हो जाए, तो लिखते हैं कि इस आदमी ने आत्म प्रवंचना के लिए, आत्म पब्लिसिटी के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, महापापी है। करोड़ों रुपया दान देने के बाद ये मिलता है उनको फल। इसलिए तो जीसस कहा करते थे कि सुई के छेद में से ऊंट पार हो जाए तो विश्वास कर लेना, अमीरों का स्वर्ग में जाना बड़ा मुश्किल है। अमीरों का कहने से भाव ये था, ये ऐसा नहीं कि सब अमीर वैसे ही होते हैं। भाव से यदि दान करे, आत्म प्रचार के लिए दान करे, तो आपका दान गया बेकार। कितना भी करिए, महात्मा तो फायदा मिल गया, आश्रम में लग गया, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। जरूर पाप की कैटेगरी में आप आ गए, नाम कमा लिया आपने, कमा लीजिए। और यहां तो दो दो रुपया, 10 रुपया देते हैं यज्ञ में, कथा में, नाम अनाउंसमेंट कर दो किसी तरह, उसने पैसा दिया, उसने चंदा दिया, किस लिए दिया भाई, फंस गए तुम। देखिए, भले मत देना, तुम पाप कर रहे हो। और एक रुपया भी अगर दिया आपने और भाव है श्रद्धा से कि मैंने दान किया है, तो समझ लेना चित्रगुप्त लिख रहे कि इसने दान किया। क्योंकि न रुपया चलता है, न डॉलर चलता है, न रूबल चलता है, न स्टेलिन पॉन चलता है, वहां सिर्फ भाव चलता है। ये कागज के नोट वहां थोड़े चलता है कि नहीं इतना डॉलर का रेट चल रहा है, इतना पाउंड का रेट चल रहा है, डॉलर लेके जाएंगे, अरे क्रेडिट कार्ड लेके, कुछ नहीं लेके जाओगे। वहां तो चित्रगुप्त लिखे बैठे हैं, भाव का क्रेडिट है वहां, किस भाव से कौन सा कर्म किया वही रिकॉर्ड होता है। इसलिए अपने भाव पे जरा ध्यान देना। मैं गलत काम कुछ नहीं करता हूं, अरे जो सोच रहे हो रिकॉर्ड में जा रहा है। मानसिक रूप से किया हुआ पाप भी, पाप ही कहिए भी क्या, पहले रिकॉर्ड में आता है। चित्रगुप्त किसी को बर्दाश्त नहीं करने वाला, वो तो तुरंत, जिसे आप आज मॉडर्न भाषा में कहते सबकॉन्शियस, रिकॉर्ड करता है और सबकॉन्शियस ही फल देता है। जोसेफ मर्फी की पुस्तक का जिक्र हमने किया था उस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो काम करता, अभी उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही समझे क्योंकि विशुद्ध आध्यात्मिक बात हम कर रहे हैं कि चित्रगुप्त लिखता है हमारे भावों को। इसलिए अपने भावों का ख्याल रखना, कहीं विकार ना आ जाए भावों में। आप कितनी सेवा करते हैं, कितने अच्छे कर्म करते हैं, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाने वाला। कम ही कर लेना सेवा, लेकिन सेवा करना तो सेवा के लिए करना, सेवा के भाव से करना। दान कम ही करना, लेकिन दान करना तो सचमुच का दान कर देना, पब्लिसिटी के लिए मत करना, फंस जाओगे। अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, किसी का सहयोग करना। कहते हैं ना कि दान ऐसा देना चाहिए कि एक हाथ से दूसरे हाथ को ना पता चले, इसीलिए कि वो दान की कैटेगरी में बच जाएगा, अन्यथा आपके पाप की कैटेगरी में चला जाएगा। और यहां तो दे के इतना प्रचार करते, दिया चारा ना बताते, 25,000 दिया था, नहीं दिया फिर भी कहते दे दिया है। कई लोग इस कुंभ के मेले में भी जितना बोल के गए कि इतना देना है, प्रचार उनका हो चुका कि इतना पहुंच गया, फोन आ गया हमारे पास, हम जानते हैं कि आया ही नहीं, लेकिन वो अपनी पब्लिसिटी उनकी चल रही। भाई समझ जाओ अभी से भी
कि चित्रगुप्त हम तो बर्दाश्त कर भी लेंगे, तुम नहीं तो कोई और दे जाएगा, लेकिन चित्रगुप्त बर्दाश्त नहीं करेगा, हिसाब में लिख लेगा और बहुत खतरनाक तरीके से हिसाब करता है, पाई पाई का हिसाब जोड़ लेता है, कर्म का हिसाब ऐसे होता है। तीन प्रकार के कर्म बताए गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म वो है, पहले तो क्रियमान कर्म समझ लीजिए, क्रियमान कर्म का मतलब है एक्टिव एक्शन, तुरंत का तुरंत, किसी को आप गाली दे के देखिए, चार गाली उधर से भी मिल जाएगी, तुरंत कर्म का फल जो मिले उसको कहते हैं क्रियमान कर्म, किसी को एक थप्पड़ मारिए दो चार थप्पड़ भी लग जाएगा, तुरंत जो नगद मिल जाए सामान वही है क्रियमान कर्म। और संचित कर्म क्या है? संचित कर्म मतलब बैंक बैलेंस जिसमें ब्याज भी मिले, ये तो क्रियमान में आपका मूल का मूल मिलता है तुरंत, लेकिन जिसमें ब्याज सहित मिले उसको कहते हैं संचित कर्म, जो रखा हुआ हो बैंक में। अब ये कैसे मिलता है? जाने या अनजाने में आप सत्संग में बैठ गए, किसी संत पुरुष के पास चले गए, कहीं अच्छे विचार आपको मिल गए, जानबूझ के गए, आप धार्मिक आदमी हैं, आपकी इच्छा है, आप सत्संग पसंद करते हैं, कोई आपके सद्गुरु है वहां आप जाते हैं जानबूझ के, अथवा अनजाने में साथ ही सब जा रहे हैं, आप भी मजबूरी में चले गए और गलती से बैठ गए, गलती से बैठो या जानबूझ के बैठो, विचार तो मिल ही जाएंगे, और इन सद्विचारों के बीज आपके सबकॉन्शियस में गए, चित्रगुप्त के खाते पे चढ़ गए और अंदर पड़े रहेंगे आराम से। ठीक ऐसे ही जाने या अनजाने में आप गलत संगति में चले गए, साथ ही सब सिनेमा में जा रहे हैं, सिनेमा गलत नहीं, अच्छे भी होते बुरे भी होते हैं, पार्टी में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कुछ उल्टी पल्टी बातें कर रहे हैं, आपका मन नहीं है, आप वैसे विचार वाले नहीं हैं, एक दिन दो दिन सुनते सुनते वो अंदर सबकॉन्शियस में गया, ये दोनों प्रकार के बीज विचारों के आपके सबकॉन्शियस में पड़ गए, अच्छे और बुरे दोनों, जिसको खाद पानी मिल जाएगा वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाएंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सत्संग करिए, तीर्थों में जाइए, ऋषि मुनियों से मिलिए, जब ऋषि मुनियों के संपर्क में रहेंगे, संतों के संपर्क में रहेंगे, सत्संग बार बार करेंगे तो जो पहले से बीज पड़े हैं उनको खाद पानी मिलेगा और बड़े वृक्ष हो जाएंगे और आप संत पुरुष हो जाएंगे। ये संचित कर्म है, और जैसे ही पुण्य बढ़ जाएगा आपका, संचित सद्विचारों की श्रृंखला बढ़ जाएगी और उनको खाद पानी नहीं मिलेगा जो बुरे हैं, वो पाप हैं ये पुण्य है ये मान लेना, तो पाप भस्म हो गए अपने आप मर के, क्योंकि जल मिला नहीं, खाद पानी मिला नहीं, तो कहते तीर्थों में जाने से, संतों के पास जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे नष्ट होते हैं कि एक तरफ आपने खुराक इतनी दे दी सद्विचारों को कि वो बढ़ गए और पावरफुल हो गए, उनको मौका ही नहीं मिला, ठीक ऐसे ही कहते गलत काम करते करते गलत संगति से पाप बढ़ जाता है, तो उस संगति में बार बार रहे तो जो बीज संचित है बुरे कर्मों का, बुरे तरीके का, बुरे संघों का, वो वृक्ष बन जाता है, आदमी राक्षस बन जाता है, कहते ये आदमी तो इतना अच्छा था, ये कैसे बिगड़ गया, एक दिन में नहीं बिगड़ा, धीरे धीरे खाद पानी मिलता रहा और ये बिगड़ गया। तो ये दोनों कर्म पाप और पुण्य इसी तरह बदलते और बढ़ते और घटते हैं, तीर्थ नहाने से, कुंभ में आने से, तपस्वियों का, ऋषियों की तपस्या का प्रभाव, उनकी दिव्य ऊर्जा आपके संचित अंदर बैठे हुए सुसंस्कारों के बीज को जागृत करके वृक्ष बना देते हैं, पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। अब बचा प्रारब्ध कर्म, सारा खेल प्रारब्ध का है, एक लाइन में बोल के टाल देते हैं प्रारब्ध। ये प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध उस कैटेगरी में जाता है हमारे कर्मों के कि जो जानबूझकर किया गया,
जानबूझ के आपने किसी की टांग खींची, जानबूझकर आपने मर्डर कर दिया, जानबूझकर होश में किसी को गाली दी, समाज में किसी को अपमानित किया, किसी को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा, किसी की हत्या करने के आप कुछ चक्र में शामिल रहे, जानबूझकर। चित्रगुप्त रिकॉर्ड में लेते हैं उसको, ये जानबूझकर इसने किया है, महापाप है, महापाप इसने किया, गलती से हुई, दूसरे रिकॉर्ड में जाएगा, लेकिन जानबूझकर किया है तो सीधे रिकॉर्ड में चढ़ा, ये जानबूझकर इसने की है, महापापी है और इसकी सजा मिलेगी। एक तरफ तो ये भी बोल सकते हैं कि सजा मिलेगी और दूसरी तरफ ये भी बोल सकते हैं कि आत्मा अपने ऊपर कभी भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खुद क्लीन करती है अपने आप को। हमारा अस्तित्व, हम और अस्तित्व अलग अलग हो गया है। साधनाओं का लक्ष्य यह है कि हम अपने आप तक पहुंच जाएं, हम अपने अस्तित्व को पालें, समझ में आ जाए कि हम कौन हैं। यहाँ डबल पर्सनालिटी चल रही है, एक जो हम ओरिजिनल है जिसको हम समझ ही नहीं रहे कि वो हम हैं, और दूसरा जो वातावरण के विचारों संस्कारों अभ्यासों से बनकर खड़ा है। आपने कभी अनुभव किया कि जब एक्सीडेंट होता है तो आपको लगता है कोई गुरुदेव आए, एक छवि आई, उन्होंने बचा लिया, कोई देवता आकर हमें बचा ले गए। आप स्टडी कर लीजिए, अनुभव कर लीजिए कि जो नास्तिक है, जिसके कोई गुरुदेव नहीं है, कोई देवता को नहीं मानता, उसको भी दिखाई पड़ता है कि कोई छवि आई और बचा लिया, कौन आके बचा लिया उसे। हमारा स्वयं का अस्तित्व, जो आत्मा है वो शरीर का संरक्षण करती है, उसे अभी काम करना है, किसी ड्यूटी के लिए, विशेष कार्य के लिए धरती पर आई है और इस बॉडी को धारण किया, इस शरीर को धारण किया है। प्रॉब्लम्स आए तो अचानक शक्ति बढ़ जाती है, कठिन परिस्थिति में आत्म तत्व स्वयं प्रकट होकर अपने आप की रक्षा करता, और हम इतने खोए रहते हैं जंजालों में कि लगता है ये भगवान जी आ गए थे, ये गुरु जी आ गए थे, गुरु जी भी आते हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन अधिक मामले में आप स्वयं का अस्तित्व, आपका स्वयं की आत्मा वो रक्षा करती है। अपने आप में आप समर्थ हैं, ईश्वर के अंश हैं। लोग अपने आप को दीनहीन दुखी कहते हैं, हम तो कहते हैं कि ये गलत है। आत्मस्वरूप को पहचानिए तो प्रारब्ध, आत्मा अपने ऊपर गलत चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बॉडी को जितनी सजा देनी पड़े वो देके उसको ठीक कराती है, क्योंकि उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर किया तो उसी रूप में लेगा वो। और प्रारब्ध तब कटता है, जो काम आपने किया है वैसा ही आपके साथ होगा, जो काम आपने किया है दूसरे के लिए वैसा ही आपके साथ भी होगा। अगर आपने किसी को चाकू मारी तो इस जन्म में या अगले जन्म में आपको एक बार चाकू मारा जाएगा, आपको एक बार वो आघात झेलना ही पड़ेगा, तभी आत्मा के ऊपर से ये प्रारब्ध का बोझ हटेगा। कई लोग बड़े सज्जन सरल मिलते हैं, कहते हैं कि हमने आज तक किसी की निंदा नहीं की और मेरी निंदा इतनी क्यों हो रही है। आपने कभी न कभी किसी न किसी जन्म में किया है, इसलिए झेल जाइए, समय गुजर जाने दीजिए, दूसरा प्रारब्ध आने ही वाला है, कुछ अच्छा भी तो किया होगा। कई लोग कहते हैं कि हमने किसी को अपमानित नहीं किया, आज तक मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इतना सज्जन, लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, मेरी बदनामी समाज में हो रही है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा। भगवान को फुर्सत नहीं, किसी के साथ कोई बदला नहीं लेता, हर बच्चे से उसका प्यार है और सब वो छूट दे दिया, ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल दिया कि जैसा करो वैसा पाओ, फिर बीच में भगवान नहीं आने वाला, आप अपने कर्मों का फल पाएंगे। प्रारब्ध में आपने किसी को अपमानित किया है किसी ना किसी जन्म में, तो एक जन्म, इस जन्म हो अगला जन्म हो, कोई छूटने वाले नहीं, कभी ना कभी आप अपमानित होंगे। अगर आपने मर्डर किया है कभी, आप अपने आप को बहुत बड़े डॉन समझ रहे हैं, बहुत बड़े भाई समझ रहे हैं, बहुत बड़े रंगदार समझ रहे हैं, या तो इसी जन्म में आप मारे जाएंगे, कोई ना कोई इसी जन्म में आपको गोली मार देगा और प्रारब्ध कट जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा ही वो इंतजाम करेगी ताकि ये बोझ हट जाए। आप देखते हैं क्रिमिनल्स को इसी जन्म में मारे जाते हैं,
कितने तो इसी जन्म में मारे जाते हैं, और अगर बच गए तो अगले जन्म में आपको गोली लगने वाली है। कोई ना कोई आपको मारेगा। आपने कहा कितना सीधा आदमी, इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसका मर्डर हो गया, कैसे हो गया? स्वयं के अस्तित्व ने, स्वयं की आत्मा ने यह इंतजाम कर दिया खुद को मारने के लिए कि जल्दी से फिर जन्म ले लूंगा, लेकिन ये बोझ तो हट जाए। बेटा मर जाए तो लोग रोते हैं, रोते हैं ना, घर के लोग मर जाए तो लोग रोते हैं। कर्मों के जाल गहना कर्मणो गति, कर्म के फल से कोई नहीं बचा। कहते हैं कि लगन निकालो, मुहूर्त निकालो, ज्योतिष गणना करो, 36 लक्षण मिलाओ तो शायद अच्छा होगा। राम जी सीता जी का लगन नहीं निकाला था, मुहूर्त निकालकर शादी हुई थी। गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचपचि लगन धरो, तब सीता राम जी का विवाह हुआ, विशेष मुहूर्त में किया गया, और शादी करते ही वनवास हुआ ना, वनवास। कृष्ण भगवान के लिए कहते हैं कि उनकी मृत्यु हुई बहेलिए के तीर मारने से। पांव में मणि बंधी थी, मणि को हिरण का आंख समझकर तीर मार दी उसने, और पांव नाजुक था, तीर सीधे लगा और मृत्यु हो गई। बहेलिया रोने लगा भगवान के सामने आकर के, प्रभु मुझसे इतनी बड़ी भूल। बोले, मैं अवतार लेकर आया हूं तो मानवीय कृत सारे लागू होंगे यहां पे। मैंने बाली को छुपकर मारा था और उसका ये खेल है, मैं भी अपने ऊपर कुछ रखना नहीं चाहता, शरीर को तो छोड़ना ही है, इसलिए उसी बहाने से छुड़वा रहा हूं ताकि वो प्रारब्ध न बचा रह जाए। यूं तो अवतारों पर कर्मफल लागू नहीं होता, लेकिन वो जानबूझ के लीला करते हैं ताकि मनुष्य को पता रहे कि कर्म का फल मिलता है। जब अवतार को मिल जाता है तो आम आदमी की कौन कहे, सबको ये फल मिलता है। और ये कर्म, अब एक घटना समझ लें कि किसी का बच्चा मर गया तो रोते हैं, रोते हैं ना, कम उम्र में मर गया। कर्म की गति इतनी गहन है, ऊपर सारी आत्माएं सेटिंग करती है। ऊपर जाने के बाद सारी आत्माओं का अपना सेटिंग चलता है, अपना अपना लिस्ट देख लिया, भाई किसका रोल कौन सा है। स्टेज पे जाने से पहले इसके पीछे का खेल दूसरा होता है। ये चाची बन गया, वो मामी बन गया, पीछे सब एक ही है, पीछे सब फ्रेंड्स है, लेकिन पर्दे पे जब आ रहे हैं, रामलीला करते हैं, देखिए उधर रावण बैठ के बीड़ी पी रहा है, सीता जी चाय का कुल्लड़ साफ कर रही है पीछे में, लेकिन वो सब डायलॉग उनका अपना है। स्टेज पे आते हैं तो अपने अपने पाठ में आते हैं। तो पीछे सूक्ष्म जगत में आत्माओं का जो खेल चलता है, प्रारब्ध कर्म का खेल है। और कैसे चलता है, किसी के प्रारब्ध में है कि आपने ये काम किया, इसके लिए अल्प आयु योग मिलेगा आपको, थोड़े दिन के लिए जाना है और वापस फिर आ जाना है, तो आपके अल्प आयु से ये बोझ हट जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। और किसी को लिखा है कि आपको पुत्र वियोग मिलेगा, पुत्र वियोग करेंगे तभी जाके ये आपका ठीक होगा, आपके आत्मा से ये बोझ उतरेगा। अब जिसका अल्प आयु है वो पुत्र वियोग वाले के साथ सेटिंग करता है कि पहले आप जाओ पिता बन के, और मैं आता हूं थोड़े दिन में वापस लौट जाऊंगा। तो जब मैं मर जाऊंगा, मतलब शरीर मर जाएगा, तो मेरी अल्प आयु पूरी हो जाएगी, बोझ उतर जाएगा, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाऊंगा। और आपके घर बेटा मरा, मैं वहां से गया, आप रोएंगे। अगर ये याद रह जाए कि हम सेटिंग करके आए हैं तो प्रारब्ध नहीं कटेगा। इसलिए याद रहने नहीं दिया जाता है कि रो, तकलीफ में आओ ताकि बोझ हट जाए। तो पुत्र वियोग में रोए तो उनका प्रारब्ध कट गया। संसार का खेल है, जितना जीवन मरण ये सब ईश्वर के सिस्टम में है। तो कर्म का फल मिलता ही है, कोई इससे बच नहीं सकता। और कर्मों की खेती, खेती की तरह है ये कर्म। जैसे आप खेती में बीज बोते हैं, किसान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं,
कि एक किसान था, बहुत पुराना किसान था, और वो किसान कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था तो अपने तीन बेटों को कुछ अनाज देके गया। बोले तुम्हारी परीक्षा लेनी है, लौट के आऊंगा तो उसी बेटे को अपनी संपत्ति दे दूंगा जो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो क्या है परीक्षा? बोले अनाज दे रहा हूं, संभाल के रखना, आऊंगा तो होगा। 6 महीने के बाद बद्रीनाथ से पिताजी लौट के आए, तीनों बेटों को बराबर बराबर अनाज दिया था। एक बेटे ने सोचा कि अरे इसको बेच दो, इसका पैसा ले लो, सड़ जाए गल जाए कहीं, पिताजी के आने से के समय खरीद के उतना दे दूंगा, परीक्षा क्या लेंगे, देखो दिमाग मेरा भाई, जितना आपको चाहिए था उतना मैंने दे दिया। दूसरे ने उसका कुछ नहीं किया, सुरक्षित संरक्षित अलमारी में बंद करके रखा, पिताजी आएंगे एज इट इज वापस कर दूंगा। और तीसरे ने खेत में डाल दिया, खूब निराई गुड़ाई की, खाद पानी डाला और खेत में बो दिया उसको। अब एक जब लौट के आए तो एक खरीद के लाया, बोले लीजिए पिताजी बढ़िया, एकदम उससे भी बढ़िया दे रहा हूं, मैंने ठीक व्यापार किया ना, एकदम वैसा ही है और कोई खराबी नहीं हुई। और पहला उसका सड़ गया था, अलमारी में बंद बंद वो सड़ चुका था। और तीसरे ने कहा पिताजी मैं वो तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको उसी के बच्चे वैसा ही थोड़ा नहीं 1000 गुना दूंगा। कई क्विंटल उसने दे दिए, पिता खुश हो गया। ये खेती का नियम यही है कि बो सिंचित करो, जीवन ऐसा ही है, बो और काटो। हम कर्म के बीज बोते हैं और वही काटते हैं, बोते एक दाना है 1000 दाना काटते हैं। हम तो कई बार लोगों को कहते हैं कि परमार्थ की बात आप करते हैं, आप स्वार्थी तो बन जाओ पहले। मुल्ली कैसी बात आप पढ़ा रहे हैं, स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते, अगर जान जाएंगे कि खेती का नियम क्या है तो निंदा क्यों बोएंगे, अरे प्रेम बोएंगे। एक निंदा बोएंगे तो 1000 तरफ से निंदा होगी, एक प्रेम बोएंगे तो 1000 तरफ से प्रेम मिलेगा, एक ईर्ष्या बोएंगे तो 1000 तरफ से ईर्ष्या मिलेगी, एक घृणा बोएंगे तो 1000 तरफ से घृणा मिलेगी, एक तरफ संवेदना का बीज बोएंगे तो 1000ों संवेदना मिलेगी, एक तरफ संगठन का बीज बोएंगे तो 1000ों तरफ से संगठन के स्वर गूंजेंगे। तो ये लोग जो निंदा करते हैं, वो लोग ईर्ष्या द्वेष में ग्रसित रहते हैं, ये स्वार्थी भी नहीं है। अगर स्वार्थी होते, जो आलसी है वो भी स्वार्थी नहीं। अरे पुरुषार्थ के बीज बो, सब पराक्रम मिलने वाला है। जो आत्मघाती है, स्वयं के व्यक्तित्व का भी ध्यान नहीं रखते, वो परमार्थ क्या करेंगे। पहले स्वार्थ तो सिद्ध कर लो, तब परमार्थी आप बन सकते हैं। तो कर्मों के फल से आप बच नहीं सकते। राजा हो या रंक हो, अवतार हो, गरीब हो, फकीर हो, चाहे कितनी भी चाल चल ले कोई, बचने शनि देवता का नाम सुना है आपने? लोग घोड़े के नाल की अंगूठी पहनते हैं, तेल चढ़ाते हैं और इतना डरते हैं शनि भगवान। अभी आए थे शनि देव, उस दिन जो महिमा शनि देव की टीवी सीरियल में शनि देव बनते हैं, हमारे शिष्य हैं दयाशंकर पांडे जी। शनि देव एक सिस्टम का नाम है, अलंकारी घटनाएं, सूर्य देव के पुत्र हैं शनि देव। और घटना ये घटी कि शनि इतने उदंड थे कि शंकर भगवान ने एक दिन उनको बंदी बना लिया। बड़ी मिन्नत की सूर्य भगवान ने कि मेरे बेटा उदंड है, लेकिन बेटा ही तो है, छोड़ दीजिए। भगवान शिव ने छोड़ दिया, लेकिन कहा कि इसे मैं कोई काम देता हूं इसके लायक। तो क्या काम देंगे? शिव जी ने कहा कर्मों का फल देने का काम इसका रहेगा, जो भी जो कर्म करेगा उसका फल ये शनि ही देगा, शनि ही कर्म का फल देगा। दे दी ड्यूटी,
तो बोले शनि सबको फल देना, किसी को छोड़ना नहीं, देवताओं को भी नहीं। नोट कर लिया उसने। शंकर भगवान ने कहा मेरा भी नाम तो नहीं लिख लिया लिस्ट में? बोले आप ही ने तो छूट दी, मैंने आपका नाम ऊपर ही लिखा है और आपके प्रारब्ध में कल ही सजा है, कल मैं आऊंगा आपके पास। अब शिव जी घबराए, पार्वती मैया को कहा कि कल शनि आएगा, चाय नाश्ता में उलझाए रखना, तब तक मैं घूम के आ जाऊंगा। शनिदेव आए, पार्वती मैया चाय पकवान खिलाती रही। भोलेनाथ सोचे मैं अब कहाँ जाऊं, इतने देर 8 घंटे के लिए बोला है मैं आऊंगा। एक हाथी था उसी में समा गए और घास चरते रहे, गन्ना खाते रहे, पानी पीते रहे। 8 घंटे के बाद आए तो देखा शनिदेव लौट रहा। बोले शनि रुको रुको, तूने तो कहा था मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं तो बच गया ना। हंसने लगा शनि। बोले बाबा आपने वरदान दिया है तो मैं चूक सकता हूं, आप ही की कृपा है। बोले नहीं चूके मतलब? अरे आपके प्रारब्ध में लिखा था 8 घंटे के लिए जानवर योनि में जाना, 8 घंटे के लिए पशु योनि में जाना लिखा था, चले गए आप पशु योनि में, हाथी में थे ना आप, मैं देख रहा था, मैंने ही प्रेरित करके भेजा था आपको उसमें। तो शनिदेव से कोई नहीं बच सकता। और ये भी कहते हैं शनिदेव के लिए कि 2.5 घड़ी के लिए आते हैं, 7.5 साल के लिए आते हैं। ये शनि कुछ नहीं, कर्म का प्रारब्ध का ही खेल है, शब्द दिए गए अलंकारिक समझने के लिए। मनुष्य चित्र और मानवीय भाषा से ज्यादा समझ नहीं पाता, इसलिए सब मानवीकृत कर दिया गया। उस सिस्टम को भी एक आदमी बना दिया गया, एक देवता बना दिया गया ताकि समझ में आ जाए। एक पंडित जी ने सपना देखा, सपने में देखा कि शनिदेव आए हैं और शनिदेव ने कहा पंडित जी मैं कल आने वाला हूं आपके पास। घबराए पंडित जी, आप आएंगे तो क्या होगा? बोले जब आऊंगा तो बहुत कष्ट दूंगा, बहुत कष्ट मिलेगा, जाऊंगा तब सब कुछ मिलेगा। तो बोले अच्छा कितने देर के लिए आते हैं? बोले 2.5 घड़ी या 7.5 साल, ढैया या 7.5 ही? बोले 2.5 घड़ी के लिए ही आइए, जल्दी आइए, जल्दी जाइए, और जाते समय कुछ दे के जाएंगे, आप बता रहे हैं। तो हम पंडित जी लोग दक्षिणा के चक्कर में रहते हैं, 2.5 घड़ी के बाद कुछ तो दे के जाएंगे आप। अगले दिन पंडित जी जा रहे थे और 2 तरबूज खरीदा और झोले में लेके चले जा रहे थे। अब देखिए जब समय खराब होता है, प्रारब्ध जब आता है तो सब कुछ बदल जाता है। पंडित जी तरबूज लिए जा रहे हैं और कटा तरबूज थोड़ा था, उसका रस गिर रहा था। राजा के दोनों राजकुमार कहीं खो गए थे, सिपाहियों को कटा हुआ तरबूज राजकुमारों का सिर नजर आने लगा। उन्होंने पकड़ लिया पंडित जी को कि राजकुमार की हत्या करके उनका सिर लिए जा रहे हो। पंडित जी परेशान, लग रहा आ गया शनि, 2.5 घड़ी का खेल है, पैर पकड़ के रो रहे हैं, 2.5 घड़ी रुक जाओ आप लोग, फांसी पर मत चढ़ाना। बोले नहीं, हत्या की है राजकुमारों की, लेके गए, सिर नजर आ रहा है। ले गई, कोड़े से खूब पिटाई हुई, जितने कोड़े लगते, रोते पंडित जी, कहते 2.5 घड़ी रुक जा भाई, 2.5 घड़ी अब शनि का सब खेल, बकवास करता है, इसको सूली पर चढ़ाओ। जैसे ही ले गए सूली पर चढ़ाने, तब तक 2.5 घड़ी खत्म हो गया। दोनों राजकुमार घोड़े से आ गए। अब राजा साहब क्षमा मांगी उन्होंने, पंडित जी हमसे बड़ी गलती हुई, चमड़ी तो उधेड़ दी थी उतने देर में, 2.5 घड़ी में ही, और गलती हो गई, उसके बदले में गलती की है इसलिए बहुत इनाम दिया, धन दौलत सब दे के रथ पे विदाई किया पंडित जी को। पंडित जी ने कहा बाप रे बाप, 2.5 घड़ी के लिए आया लेकिन दे के तो बहुत गया। तो शनि जब आता है तो ऐसी हालत कर देता है और दे के भी बहुत जाता है। एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी का भेंट हो गया। लक्ष्मी जी बोले मैं बड़ी और शनि बोले मैं बड़ा। तो फैसला कौन करे, नारद मुनि को बुलाया गया। नारद मुनि कहा बाप रे बाप, इन दोनों के चक्कर में कौन फंसेगा? अगर लक्ष्मी जी की बड़ाई कर दी तो शनि पीटता रहेगा, और अगर शनिदेव की बड़ाई कर दी तो वैकुंठ में जाना मुश्किल हो जाएगा। अब उपाय क्या करें, कैसे बचे इनसे? तो बड़ी मुश्किल से नारद मुनि ने कहा कि लक्ष्मी जी जरा चल के उधर जाइए मैया। लक्ष्मी जी चल के गए, थोड़ा चल के वापस आइए मैया। चल के आई, बोले रुक जाइए,
शनिदेव आप चल के जाइए। बोले क्या चला रहे हो? ऐसे शनि जी खूंखार होते हैं। बोले नहीं नहीं थोड़ा सा आप चल के जाइए। तो अकड़ते हुए शनिदेव गए, फिर जरा चर के आइए मैं ठीक से देख लूँ दोनों को। दो चार बार चलाया, दोनों नाराज होने लगे। बोले अब बताता हूँ, खुश हो गए दोनों के, अब बताएगा कि हम श्रेष्ठ हैं। बोले लक्ष्मी जी जब आ रही थी तो इतनी सुंदर लग रही थी, आह क्या कहा जाए, अद्भुत सौंदर्य था माता जी का, और जब जा रही थी तो ठीक नहीं लग रहा था। उनके जाते समय बहुत अच्छा नहीं लग रही थी वो, और शनिदेव जब आ रहे थे तो बहुत भयानक रूप था, बहुत बेकार लग रहे थे, लेकिन जब जा रहे थे तो क्या अद्भुत रूप था। कि जब लक्ष्मी आती है तो बहुत सुंदर लगती है, और लक्ष्मी जब जाती है तो बहुत दुख दे के जाती है, और शनिदेव जब आते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं, और शनिदेव जब जाते हैं तो सब कुछ दे के जाते हैं। अब एक विषय हमने संकेत किया।